जिलाधिकारी ने कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना एक भयंकर संक्रामक बीमारी है, सजग एवं सतर्क रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु मास्क का उपयोग सबसे कारगर तरीका। डीएम दरभंगा, कोरोना एक भयंकर संक्रामक बीमारी है, सजग एवं सतर्क रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इससे बचने के लिए मास्क पहनिए और काम पर चलिए। मास्क पहनने से संक्रमण के फैलने की संभावना कम रहती है। हमेशा एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की सामाजिक दूरी बनाकर रखें आदि जागरूकता संदेशों के साथ आज कुल 18 प्री फैब्रिकेटेड प्रचार वाहनों को समाहरणालय परिसर स्थित अम्बेडकर सभा कक्ष से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जागरूकता वाहन जिले के सभी 18 प्रखंडों के विभिन्न गांव, हाट बाजार आदि में जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु हमेशा मास्क का उपयोग करने एवं एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने हेतु लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए। बराबर साबुन अथवा सैनिटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करते रहना चाहिए। साथ ही भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचना चाहिए। अगर बाहर जाना एकदम जरूरी हो तो एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को मास्क का उपयोग करने एवं साफ सफाई पर ध्यान देने हेतु सभी घरों में 100 रुपए मूल्य के अंतर्गत 4 से 4 मास्क एवं 1 साबुन बांटा जा रहा है। कहा कि 75% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क एवं साबुन का वितरण करा दिया गया है। कहा कि कोरोना बीमारी से बचाव हेतु हमेशा मास्क का उपयोग करने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने हेतु सूचना एवं जनवरी संपर्क विभाग द्वारा सभी गांव टोलों में जगह जगह होर्डिंग्स फ्लेक्स लगाया जा रहा है। कहा कि कोरोना एक भयंकर संक्रामक बीमारी है, सजग एवं सतर्क रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस अवसर पर जिप अध्यक्ष दरभंगा, सिविल सर्जन, DPRO, SEMO, DIO, यूनिसेफ के प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।